नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का विश्वास फार्म के यूट्यूब चैनल में। आज हम बैंगन की खेती के बारे में और एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस खेत में आप देख सकते हैं कि बैंगन की रोपाई कर चुके हैं हम लोग, और यहाँ पर हम लोगों ने बैंगन के पौधों की रोपाई 16 दिसंबर को किया था और आज 27 जनवरी है। कुल 42 दिन हुए हैं हमारे बैंगन के पौधों के। यहाँ पर आप पौधे देख सकते हैं किस स्थिति में है, अच्छे से ग्रोथ कर रही हैं पौधे। और किसान भाइयों, ये जो प्लांट्स हैं ये बिना ग्राफ्टिंग किया हुआ है, ये ग्राफ्टेड प्लांट्स नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे हम लोगों ने नर्सरी की यहाँ पर रोपाई करी है। ये जो बैगन है ये हाईवेज कंपनी का पारुल बैगन है, जिसमें विल्ट की समस्या कम लगती है, यानी कि पौधे मरने की समस्या नहीं होती है। ये आप पौधे देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में यह बताने वाला हूं कि किस तरह से आप बिना ड्रिप का बैंगन की खेती कर सकते हैं और बिना ग्राफ्टिंग किए भी, और इससे विल्ट से बचने के लिए हमें ट्रैकोडर्मा का छिड़काव करना रहता है, उसका एक वीडियो और लेकर के आएंगे हम लोग। पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कैसे इसका रूट का विकास होगा और कैसे पौधों को खाद देना है और क्या क्या सावधानियाँ हमें रखनी है। यहाँ पर जो प्लांट्स हम लोगों ने लगाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नाली बना ली है और नाली के साइड में जो है पौधों को लगा दिए हैं, दो पौधे करके लगाए हैं। इसमें पौधों के बीच की दूरी जो है, एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी लगभग 2 फीट है और लाइन से लाइन की दूरी करीब 4 फीट के आसपास में है। और ये पौधे आप देख सकते हैं पूरे खेतों में सबका हम लोगों ने नर्सरी ट्रे में नर्सरी तैयार करके इसका रोपाई किया हुआ है। अभी जो खाद हमको डालना है, कौन सा डालना है, जो बेसल डोज था इसमें हम लोगों ने रोपाई करते समय डाली थी, यूरिया डीएपी पोटास को मिक्स करके डाला था। 1 किलो यूरिया, 1 किलो पोटास और 2 किलो डीएपी के अनुपात में मिक्स करके हम लोगों ने लगाने से पहले जड़ों के पास डाल के मिक्स कर लिया था मिट्टी को, और उसके बाद में ही पौधों का रोपाई किया था। अभी जो है इसमें हम लोग जो डाल रहे हैं वो है NPK 12:61:0, जो 42 दिन हो चुके हैं पौधे के। आप ये खाद जो है करीब 25 दिनों के बाद से डाल सकते हैं, जब पौधे आपके 25 दिन के हो जाए, और उसके जड़ों के आसपास एक जगह हमको बना लेनी है इस तरह से गोल करके। देख सकते हैं सारे पौधों के आसपास में हम लोगों ने पानी रुके करीबन आधा लीटर करके पानी रुके, इतना हम लोगों ने जगह बना लिया है खुरपी की सहायता से, और घास भी इसको हटा दिया है। इसमें जो मिक्सचर है इसमें हम लोगों ने 10 ग्राम प्रति लीटर पानी में NPK 12:61:0 घोला है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ह्यूमिक एसिड 5 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके हम लोगों ने इसमें डाला हुआ है। अगर आपके पास ह्यूमिक एसिड नहीं है तो आप इस ताकत फंगिसाइड का इस्तेमाल करेंगे, कैप्टन 70% और हेक्साकोनाजोल 5% WP का, तो दोनों में से कोई एक आप डालेंगे, और NPK 19:19 इस्तेमाल करिए या फिर 12:61:0 इस्तेमाल करिए, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इन सबको एक साथ घोलने के बाद में हम लोगों को जो पौधा है उसके दोनों तरफ जो जगह हम लोगों ने साफ करी हुई है उसमें डालना है। देख सकते हैं ह्यूमिक एसिड डालने के बाद पानी इस तरह से जो है काले कलर में चेंज हो जाता है। इस पानी को हम लोगों को पौधों के ऊपर में या पौधों के चारों तरफ डालनी है इस तरह से, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह का हमें डाल देनी है। इससे क्या होगा, जड़ों को नाइट्रोजन और फास्फोरस मिल जाएगा और बहुत ही अच्छे से इनका विकास होना शुरू हो जाएगा। तो ये खुरपी की सहायता से हम लोगों ने दो सारी पौधों के चारों तरफ जगह बना ली है, क्योंकि हमारे पास ड्रिप सिस्टम तो है नहीं, इस खेत में हम लोग ड्रिप लगाए नहीं है, तो जो खाद है इस तरह से हमको जड़ों के पास डालनी रहेगी, जिससे कि आपका जो बैंगन का पौधा है काफ़ी अच्छे से ग्रो करने वाला है। तो किसान भाई, यही टेक्निक है, और यह टेक्निक जो है आप दूसरे फसलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि टमाटर हो गए और किसी और फसलों में भी आप इस तरह से डाल सकते हैं।
ये देखिए बैंगन के पौधों में भी फूल आना स्टार्ट हो चुका है और पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ में हैं। इस तरह से पूरे खेत में हम लोगों ने खेतों में जो है पौधों की रोपाई कर चुकी हुई है। यहाँ पर 3 किस्मों का बैंगन लगा हुआ है। ये वाला जो आप देख सकते हैं ये जो है उत्कल बैंगन है VNR कंपनी का, और आगे जो है सनग्रो कंपनी का 704, ये वाला जो है ये भी आप देख सकते हैं सनग्रो का 704 बैंगन है ये। तो पौधे किस तरह से नहीं मारेंगे उसका वीडियो मैं आगे के लेकर आऊँगा। इससे सभी पौधों के जड़ों के पास हम लोग को सुडोमोनास को भी इस तरह से डालना होगा जिस तरह से मैं अभी खाद डाल रहा हूँ NPK, उसी तरह से जैसे ही हमारे पौधों खेतों में अगर एक आध पौधे मरने की सिचुएशन दिखेगी तो हम लोग जो है इसके दोनों तरफ जो है सुडोमोनास को घोल करके डाल देंगे 5 से 10 ml प्रति लीटर सुडोमोनास को। और मैं मल्टीप्लाई करने के लिए भी अभी रखा हुआ हूँ, सुडोमोनास का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसको डाल सकते हैं ताकि जो विल्ट की रोग है वो खेतों पर ना लगे, विल्ट की समस्या से हम समाधान पा सकें। तो किसान भाइयों ये था हमारा प्रैक्टिकल वीडियो जो बैंगन के जो रुकी हुई ग्रोथ है उस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और अच्छे से पौधों के विकास के लिए। मैं सभी पौधों में अभी इस घोल को लिक्विड को डाल देता हूँ, उसके बाद आने वाले समय में मैं अपडेट आप लोग को और उपलब्ध कराता जाऊँगा। और किसान भाइयों बैंगन की खेती से संबंधित बहुत सारी वीडियोस चैनल पर अपलोड है, आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर बैंगन की खेती वाले प्लेलिस्ट पर जाकर के सारे वीडियोस देख सकेंगे। कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करना है, फंगिसाइड कौन सा इस्तेमाल करना है और संपूर्ण जानकारी उसमें है। रस चूसक कीटों के नियंत्रण और सफ़ेद मक्खी नियंत्रण सारी बातें हम लोगों ने बता चुकी है। और इस वीडियो में यही था कि आप लोग NPK को घोल करके पौधों के जड़ों के पास डाल पाएंगे तो बहुत अच्छे से आपके पौधों का ग्रोथ होगा। और यूरिया घोल के डालने की गलती मत कीजिएगा, अगर आप लोग यूरिया डायरेक्ट यूरिया को घोल कर डालेंगे तो पत्तियां जल जाएंगी, पौधे मर जाएंगे। आपको घुलनशील NPK का ही इस्तेमाल करना है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो आपके फसल जो है बहुत अच्छे से होंगे। किसान भाइयों बहुत ही मेहनत के बाद में वीडियोस तैयार होते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इन वीडियोस को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी नॉलेजेबल जानकारी प्राप्त हो सके। और जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिल सके और इस वीडियो का सभी किसान भाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसलिए वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और भी अच्छी जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।